मुस्लिम समाज समझदार है, समाज ने सामंजस्य दिखाकर सामाजिक सद्भाव शांति कायम रखने का सहयोग किया है। भविष्य में किसी भी भड़काऊ बयान कृति पर प्रतिक्रिया न देते हुए शांति अमन कायम रखने के लिए हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे, यह आह्वान पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने किया। यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन की ओर से इफ्तार कार्यक्रम में वे बोल रहे थे। आयोजित कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त मितेश कुमार, अपर पुलिस आयुक्त नवीन चंद रेड्डी, पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित, सहायक पुलिस आयुक्त नयन अलूरकर, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विश्वनाथ चौहान, अहमद शेख, मौलाना हसन ईमानदार, अब्दुल मजीद, मोहम्मद अल्ताफ शेख, अकील अहमद, मोहम्मद आरिफ हुमायूं, शबाना बेगम आदि उपस्थित थे। मुस्लिम बंधुओं को रमजान महीने की शुभकामनाएं देकर पालक मंत्री डॉक्टर राउत ने कहा कि प्रत्येक को अपना धर्म प्रिय लगता है, लेकिन धार्मिक उन्माद दहशत निर्माण करने वाले बयानों को नजरअंदाज कर सामाजिक शांति कायम रखना आवश्यक है। नागपुर शहर के मुस्लिम समाज समझदारी दिखाए, योग्य भूमिका लेकर धर्म का सम्मान करने के साथ संविधान का पालन करे। भविष्य में शहर की कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए समाज पुलिस प्रशासन सहकार्य करेगा, यह भी विश्वास व्यक्त किया। पुलिस आयुक्त मितेश कुमार ने कहा कि कानून व सुव्यवस्था बिगाड़कर शहर में अशांति निर्माण करने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस हमेशा तैयार है। सभी समाज के लोग ऐसे विचारों के लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन को सहयोग करें। धार्मिक सद्भाव कायम रखने के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। पुलिस उपायुक्त पंडित ने कहा कि रमजान के पवित्र महीने में प्रेम और शांति का संदेश देने के लिए परिमंडल पांच और यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन की ओर से इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।